हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असि परमुटेशन एंड कंबीनेशन खत्म कर चुके हैं, मास्टर ग्रेडर के क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी एंड इधर विच भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंदे हैं एंड मैं तुम्हें बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स नाल जो आज दी वीडियो दे विच बहुत शॉर्ट ट्रिक नाल असि बहुत सारे कांसेप्ट जेड़े है समझांगे ते क्वेश्चन इधर विच आंदा जेड़ा आपां कांसेप्ट करन लगे हां एंड जेड़े क्वेश्चन नु तुसी एटलीस्ट 2 या 3 मिनट दे विच करोगे यू कैन डू विद इन द सेकंड्स। ओके सो लेट्स देखते हैं आज दी सुपर ट्रिक। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होंगी कि जिदा असि कहने किसी चीज के होने की संभावना, जी असि मैथमेटिक्स की फॉर्म कहिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस टू दी टोटल नंबर ऑफ केसिस, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रख दे, टोटल आप जो इवेंट है नीचे रख दे, उपर जी सू चाहिए वो फेवरेबल असि उपर रख दे। उस तो बाद मैं तुम्हें दो पहला सिंपल चीजा जड़िया समझ लो, सैंपल स्पेस की होंगी है, सैंपल स्पेस की होंगी है कि जिन्या एक सैट होंगे ये ऑल द पॉसिबल आउटकम, सैट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जिदा मैं दो एक ही कॉइन सुटिया, एक कॉइन सुटिया की वो सारी पॉसिबल हैड आ सकता है की आ सकता या टेल आ सकता, सो यही दो आउटकम आ सकती है, सो इदा सैट जिहड़ा उहनूं आपां की बोलते सैंपल स्पेस सैट, तुसीं इदा सैट च भी लिख सकते, क्लियर। सो इट इज अ सैट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, उन्होंने आप बोलते सैंपल स्पेस। हम देख रहे आप एक जी अज की ट्रिक हैगी कॉइन ते, कॉइन्स ते पेपर च सम आंदा आया भी होया मास्टर क्रिएटर दे विच, जे उन्हें उदा करना हो उदा भी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, जे आप ट्रिक ना करिए बहुत ईजीली हो जाएगा। उदा हो सकता कई बार सैंपल स्पेस बनाने इन्ना टाइम लग जाता 5 मिनट्स तक, कई बार सैंपल स्पेस बनाते बहुत वड्डिया उन्होंने दे दी सैंपल स्पेस, लाइक क्या दिता 8 पॉइंट टॉस किए, फिर औखा हो जाएगा। सो लेट ट्रिक देख रहे क्वेश्चन आंदे ट्रिक, नंबर ऑफ कॉइन जो साडे को हैगे एक कॉइन हैगा, मैं एक कॉइन टॉस किया, टोटल आउटकम्स किनिया दो ही आ सकती है, ध्यान दो पहले ट्रिक नु ध्यान ना समझो, क्वेश्चन विद इन द सेकंड आ, बस ट्रिक ते जरा ध्यान दो, कॉइन एक हैगा ते टोटल आउटकम हो सकदी दो ही हो सकदी, या हेड हो सकता या टेल हो सकता, जे मेरे को दो कॉइन फिर की हो सकता पॉसिबल है हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ सकती, हेड टेल आ सकता, टेल हेड आ सकता, सो चार हैगी यानी कि 2 की पावर होंगी, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गई, जे दो कॉइन होने 2 की पावर 2 हो गई ऐसी किनिया हो जाएगी 4 हो जाएगी, 3 कॉइन टॉस करोगे 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स आनगे, इतना कितना सैंपल स्पेस बनाओगे किनिया, सो जर्नलाइज करना है, जे 4 कॉइन्स हो 2 की पावर 4 दैट मीन 16 आउटकम्स आनगे साढ़े को, 2 की पावर 5 32 आ जाएंगे, क्लियर। आ चीज तुम टोटल जो टोटल नंबर ऑफ केसिस रखने पता लग गया इन केस ऑफ कॉइन। हुण गल आ दो फेवरेबल दे, फेवरेबल दे देखो तुसी जो हैगा तुहाडे कोल इको ही कॉइन टॉस किया, याद रखना जस्ट 11 की पावर 1 की आ जाएगा 11, ठीक है, जो दो कॉइन टॉस किए करोगे 11 का स्क्वायर दैट इज 121, 11 की मल्टीप्लीकेशन की मैं वैसे शॉर्टकट ट्रिक दस दूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 11 विद 11, किसी भी चीज इलेवन न मल्टीप्लाई कर किदा करी दा, ए चीज एज इट इज लिखी दा, इन्हू भी ऐसी लिखी दा, गब्बे इन्हों एड करके लिखी दा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 11 की पावर 13 है, 11 की स्केयर का पता लग गया 121, मैं इन्हू मल्टीप्लाई करना 11 किदा करांगी, ए 1 भी इधर रखांगी, ए भी 1 इधर रखांगी, 1 + 2 की आ जाएगा 3, 2 + 1 की आ जाएगा 3 दैट इज 1331, इन्हू मैं अगे मान लो 11 ना मल्टीप्लाई करना, ए भी चीज ऐसी रखांगी, ए भी चीज ऐसी रखांगी, 3 + 1 = 4, 3 + 3 कितना आ जाएगा 9, 3 + 3 = 1 कितना आ जाएगा मेरे को 4, 3 + 3 = 6 आ जाएगा, 3 + 1 की आ जाएगा 4, बीच वाले ऐड करी जाने, अगेन मैं 1461 आ गया, इन्हू मैं 11 ना मल्टीप्लाई करना चाहनी हूँ, 1 इधर आएगा, अभी 1 इधर आएगा, 4 + 1 = 5, 6 + 4 = 10, 1 कैरी आ गया, 6 + 4 = 10 + 1 = 11 एंड फिर अगे की आ जाएगा साढ़े को, हां जी 4 + 1 = 5 एक कैरी आया सी उदा 6, क्लियर। सो इदा 11 की मल्टीप्लाई करी दी है, जिन्हों 11 की मल्टीप्लाई च भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। उस तो बाद हैगा साढ़े को हुण इन्हू यूज किदा करना, ये तो मैं तुहानू दस दिता ना भी 11 की इहदा की लिंक हैगा, इहदे नाल देखो की लिंक हैगा, जो भी तुसी हेड काउंट करोगे इधर नू काउंट करोगे पहला 0 आएगा फिर 1, दस दी मैं तुहानू चंगी तरह समझाने, फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 है ना मेरे को, जो मैं 2 कॉइन टॉस किए फेवरेबल मेरे तो उपर जो मैं लिखने वो है 1 to 1 किदा इन्हों काउंट किदा करना समझो, जो मैं हेड वल नू जाना इधर नू जाना 0 1 2 कोई हेड ना आंदी
फेवरेबल, एक हैड आंदे किन्ने फेवरेबल, दो हैड आंदे किन्ने फेवरेबल, जो टेल दी गल करनी इधर नूं चलोगे 0 1 2 कोई भी ना टेल आने की पॉसिबिलिटी, एक टेल आने की पॉसिबिलिटी, दो टेल आने की पॉसिबिलिटी, अगेन समझो हद तक जनरलाइज अपने आप हो जाएगा 1 3 3 1। फॉर एग्जाम्पल मेनू पेपर च सामने आ गया कि 3 पॉइंट टॉस किए तो मेनू टोटल का पता, नीचे तो मैं 8 लिखना, फेवरेबल तो मैं किदा करना 1 3 3 1, 11 की पावर 3, वो भी मल्टीप्लाइज खा दी। हुण इधर नूं जाओगे हैड, जो कोई भी हैड ना आने की पॉसिबिलिटी उपर एक लिखोगे, जे एक हैड आने की उपर की आ जाएगा 3, 2 हैड आने की 3 हैड आने, तेनी कॉइन किते टॉस वत्त तेनी हैड आ सकती। जो टेल काउंट करोगे इधर नूं कोई भी ना टेल आएगी, एक टेल दो एंड की सम करेंगे उच्च भी समझ आ जाएंगे, पहला इन्नी चीज समझ आई, सम कर दिया होर क्लैरिटी हो देखते बिलकुल समझ आएगा तुहानू बहुत ज्यादा ईजी एंड बिलकुल शॉर्ट ट्रिक दे नाल होने वाला। इफ 3 कॉइन टॉस्ट, 3 कॉइन की किते टॉस्ट किते, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हैड, किन्ने कॉइन टॉस किते मैं 3 कॉइन टॉस किते, दैट मीनस तुहानू इन्ना पता लग गया कि टोटल किन्ना होएगा 2 दी पावर 3, दैट इज 8, एनी गल क्लियर हो गई। मेनू की चाहिए 2 हैड, अच्छा 3 कॉइन 11 दी पावर 3 किन्ना हुंदा 1 3 3 1, किन्ने मेनू हैड के 2 हैड, इधर नूं काउंट करदे आपां हैड 0 1 2, सो 2 दे सामने की आ गया 3, सो आंसर की आ जाएगा 3/8, पता लग गया किदां है। प्रोबेबिलिटी की हुंदी आ नंबर ऑफ फेवरेबल टू दी टोटल, 3 पॉइंट टॉस किते टोटल का मेनू पता लग गया नीचे किन्ना आएगा 8, क्लियर इतने तक क्लियर हो गया कि नीचे किन्ना आना 8। गल आ फेवरेबल दी, केड़े उन्हें क्या 2 हैड, ओ इत्थों देख लैनी 0 1 2, 2 हैड आंदी किन्नी होगी, क्लियर। देखो और अगे देख लिया 1 हैड और 2 हैड, ध्यान नाल सुनियो 1 हैड और 2 हैड, याद रखियो और मीन्स हमेशा प्लस, एक हैड आने की प्रोबेबिलिटी, मैं जो टॉस किए पॉइंट 3 किए, यानी कि टोटल तो कितनी रहेगी नीचे 8 ही रहेगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हैड या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैड, वही क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हैड और 2 हैड, एक हैड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, 2 हैड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, पॉइंट में कितने टॉस किए 3 कौन, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है टोटल का नीचे कितना रहेगा 8, क्योंकि पॉइंट में कितने टॉस किए 3। हुण एक हैड आने की प्रोबेबिलिटी की है उसके सामने की है 3, उसके बाद उन्हें क्या और 2 हैड आने की प्रोबेबिलिटी की है 3, सो 3 प्लस 3 6/8, दैट इज 3/4। अगे देखते हैं एटलीस्ट 2 हैड, घट्टो घट 2 हैड, एटलीस्ट मतलब एक भी तो आई सकता, यानी प्रोबेबिलिटी 1 दी भी हो सकती और प्रोबेबिलिटी 2 दी भी हो सकती, यानी 1 हैड और 2 हैड। अगेन समझ आया, यही गल उन्हें कही क्या एटलीस्ट 2 हैड, एटलीस्ट 2 हैड मतलब घटो घट 2, हां एदे विच एक पॉइंट होर आ, कोई भी तो नहीं हो सकता, घटो घट मतलब उन्हें क्या घटो घट किन्ने आने चाहिए, सॉरी एटमोस्ट नहीं है एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट 2 हैड मतलब 2 हैड भी आ सकते, 3 भी तो आई सकते, इतने गलत हो गया मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हैड मतलब घटो घट 2 हैड आने चाहिए, तो वो जिनी मर्जी आ जाए, वो तो वो किन्ने हैड आ सकते मेरे को, 3 ही आ सकते क्योंकि 3 तक पॉइंट टॉस किए हैं मैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैड के नीचे तो की रहेगा 8, क्योंकि 3 पॉइंट टॉस किए हैं। 2 हैड की प्रोबेबिलिटी देखो 0 1 2 किन्नी है 3, 0 1 3 1, यानी 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/8, क्लियर समझ आए थानू। एक बार मैं फिर दसती दैट एक बार इन आप होर करते हैं ताकि तुम ये एक बार ट्रिक बैजी ना दिमाग दे विच, तो फिर सारे सम बहुत ईजी लगेंगे तुम। उन्हें क्या सी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैड कि 2 हैड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पॉइंट किन्ने टॉस किए 3, यानी कि फेवरेबल की होगा 1 3 3 1, जो हैड नू जाना 0 1 2 एदर राइट कर लेना, ठीक है। 2 हैड, 2 के सामने की आया 3, यानी 3/8, उसके बाद 1 हैड और 2 हैड, 1 के सामने की है 3, यानी 3/8, और दा मतलब प्लस 2 हैड, उसके सामने भी 3 है 3/8, दिस इज 6/8, उसके बाद एटलीस्ट 2 हैड, एटलीस्ट घटो घट 2 हैड, वो वो जिन्हें मर्जी हो जाए, यानी कि 2 हैड भी हो सकते और 3 हैड भी, परमुटेशन कॉम्बीनेशन जो ऐसे ना एटलीस्ट का मतलब, ठीक है। 2 हैड की कितनी है 3/3/ कितना हैगा साडे कोल 8 प्लस 2 हैड की हो गई, उसके बाद 3 हैड की, 3 हैड की कितनी हो जाएगी 1/8, दैट इज 4/8, कट के कितना आ जाएगा 1/2। हुण देखते हैं एटमोस्ट 2 हैड,
एट मोस्ट का मतलब सुनो की हुंदा एट मोस्ट टू हेड मतलब वद्दो वद्द दो हेड ही होने चाहिए घट्टो घट जिन्ने मर्जी हो जाए लिख लिया करो दर्जी तेन एटलीस्ट मतलब घट्टो घट दो जिदा एटलीस्ट टू हेड कहता मतलब घट्टो घट दो रहने वद्दो वद्द जिन्ने मर्जी हो जाए जिन्ने हैगे उत्थे एट मोस्ट मतलब वद्द तो वद्द दो ही हो सकते घट तो घट जिन्ने मर्जी हो जाए सो घट तो एट मोस्ट दो मतलब घट तो घट की हो सकता नो हेड कोई भी ना हो यानी जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस वन हेड भी हो सकता प्लस टू हेड भी हो सकता क्लियर एट मोस्ट का मतलब समझ गए कोई हेड नहीं एक या दो एट मोस्ट मोस्ट दो तक जाना सो जीरो बिल्कुल जीरो होने सामने किन्ने है वन सो वन बाय एट वन हेड होने की किन्ने है सामने थ्री बाय एट टू हेड होने सामने की है थ्री बाय एट सेवन बाय एट आंसर आ गया क्लियर इजी है ठीक है सो आप देखिए जीरो हेड जीरो के सामने की सी वन फेवरेबल किन्ना केस आ गए वन ए फेवरेबल केसिस नहीं आया ठीक है ध्यान रखना उस तो बाद वन हेड वन के सामने सी थ्री बाय एट टू हेड टू के सामने थ्री बाय एट क्लियर बस नेक्स्ट सम कर देगा जो सारे सम कर लोगे ना तो बिल्कुल जनरलाइज हो जाएगा एट मोस्ट वन हेड उन्होंने की किया एट मोस्ट वन हेड एट मोस्ट वन हेड का मतलब की वो वो साढ़े को एक ही हेड रहना चाहिए घट्टो घट किन्ने हो सकते हैं कोई हेड भी नहीं जीरो हेड जिन्होंने मैं कह सकती नो हेड ठीक है सो अगेन जीरो के सामने की है वन सो आ गया वन बाय एट वन के सामने की है थ्री सो आ गया थ्री बाय एट दैट इज इक्वल टू फोर बाय एट दैट इज इक्वल टू वन बाय क्लियर एट मोस्ट तो एटलीस्ट समझना कई बार पेपर चाहता एटलीस्ट एट मोस्ट चीजा समझ नहीं पाते एटलीस्ट मतलब की घट्टो घट उन्नी चीज वो वो जिनी मर्जी हो जाए एट मोस्ट मतलब वो तो वो उन्हें दस दिता घट्टो घट जिनी मर्जी हो जाए लिख लिया करो चीज नैक्सट असि क्वेश्चन करते हैं नैक्सट है साढ़े को इफ टू पॉइंट ओस दो पॉइंट ओस किन्ने किते टू पॉइंट दिमाग च आ गया दो पॉइंट मतलब टोटल का की रहना टू की पावर टू दैट इज इक्वल टू फोर टोटल क्लियर हो गया तो इलेवन की पावर दो आएगा दैट मीनस फेवरेबल के केस के आएगा वन टू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू टेल एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट गल की ना एटलीस्ट ना एटमोस्ट एग्जैक्टली टू टेल्स टेल्स नहीं मैं क्या इधर इधर जाना टेल नहीं इधर इधर जाना जीरो वन की जाना जीरो वन समझ गए हेड लिए इधर इधर मूव कर दे जो टेल का केस है ना उधर इधर मूव करना एग्जैक्टली टू टेल ऑब्वियसली फेवरेबल टू के सामने कितना आ गया वन आ गया वन अपॉन टोटल फेव किन्ने से फोर सो आंसर किया गया वन बाय फोर नैक्सट है एग्जैक्टली वन टेल एक टेल आंदी ये तो टू टेल दी जो मैं करा एग्जैक्टली वन टेल आंदी प्रोबेबिलिटी इको टेल आंदी जीरो वन एग्जैक्टली वन के सामने किन्ना है टू सो टू बाय फोर दैट इज इक्वल टू वन बाय क्लियर होंगी गल एग्जैक्टली कहते इको ही टेल आनी चाहिए इको ही टोटल तो फोर ही रहना नीचे फेवरेबल किन्ना है जीरो वन वन के सामने की आ रहा है टू सो फेवरेबल इदा करने आप उस तो बाद है नो टेल कोई टेल भी ना हो जीरो टेल के सामने की है वन टोटल किन्ना फोर सो वन बाय की आ गया फोर नैक्सट है एटलीस्ट वन टेल घट्टो घट एक टेल तो होटलीस्ट वन टेल समझो एटलीस्ट वन टेल एक टेल एटलीस्ट घट्टो घट एक वो वो जिन्नी मर्जी हो जाए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल हूं तुम कहोगे वो वो अगर तीन भी लिख दो कोई नहीं दो टॉस किए दो टॉस किए दो ही टेल आ सकती है वो वो चाहिए कि नहीं जानी है दो ठीक है सो वन टेल होने की प्रोबेबिलिटी की है नीचे तो किन्ना रहेगा फोर ही टोटल तो हम फोर ही रहने वन टेल वन के सामने की है टू टू टेल टू के सामने की है वन सो कि आ गया थ्री बाय बहुत ईजी ने ट्रिक समझ आ गई ना पेपर चो विद इन द सेकंड्स दे सम होने उन्हें देखा फटाफट कि अच्छा जी किन्ने पॉइंट टॉस किए टोटल तो उन्हें पहले ही नीचे लिख लेने फिर आ वाला फटाफट इलेवन की मल्टीप्लाई करके फटाफट वो भी चीज लिख लेने ये वाला ध्यान देख लेना इलेवन ने जस्ट मल्टीप्लाई अगे तो अगे तो अगे करनी आनी चाहिए तो फिर आराम ना ही होगा फाइव तक तो तुम ऐसे याद कर ही सकते हो बाकी जो इलेवन की मल्टीप्लाई आ गई टाइम टाइम नहीं लगता मैं तुम दसिया ये लिख लिया ऐसे ही इधर एक ना मल्टी इधर ऐड करी जाना वन प्लस फाइव 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 प्लस जीरो फाइव जीरो प्लस वन वन सिक्स प्लस वन सैवन सिक्स प्लस वन सैवन ऐसा इलेवन की मल्टीप्लाई हो जाती है कि
सो ये सी शॉर्टकट ट्रिक जे तुहानू पसंद आई प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करियो ते होरां नाल शेयर करियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।